शालोम अलैकुम। मसीह में भाइयों बहनों को प्रभु यीशु में शांति हो। आज जो हम वचन देखने जाने वाले हैं वो है मत्ती की पुस्तक उसका 25वां भाग 14 से लेके 30 आयत तक, जिसमें तालंतों का जिक्र किया गया है और इस उदाहरण के द्वारा परमेश्वर हमें क्या सिखा रहे हैं वो हम आज देखेंगे। क्योंकि तालंत हम हर किसी में है, पर परमेश्वर उसको किस तरह से देखता है और हमारे जीवन में जो तालंत हम में छिपे हुए है उसका क्या महत्व है वो हम और ज्यादा बेहतरी से समझे, इसके लिए हम एक वीडियो चला रहे हैं जो इंटरनेट पे अवेलेबल है। पर इस वचन की समझ के लिए इस वीडियो की आवश्यकता है, इसलिए हम इस वीडियो को इसी में कवर कर रहे हैं। जहां हम इस वीडियो में देखते हैं एक मनुष्य होता है जिसके घर में 3 चाकर होते हैं। एक दिन वो मनुष्य कहीं परदेश जा रहा होता है और परदेश जाने के समय वो सोचता है कि जाने से पहले उसके दासों को कुछ काम दिया जाए, क्योंकि उसके 3 दास होते हैं और उसके जाने के बाद दासों के पास कुछ काम होना चाहिए। तो उस हिसाब से वो हर एक को देखता है। जो एक दास होता है वो उसको 10 तालंत देता है, फिर वो दूसरे को देखता है, फिर वो हर एक को पहचानता है इसलिए उसको 5 तालंत देता है, और आखिर में तीसरा जो दास होता है उसको वो 1 तालंत देता है। क्योंकि मालिक को पता है कि उसका दास क्या कर सकता है, उसका सामर्थ्य कितना है, उसकी ताकत कितनी है, उसमें क्या क्या टैलेंट छुपे हुए हैं वो मालिक खुद जानते हैं। जैसे ही इनको मिले उसमें से 2 दास तो व्यापार करने चले गए, और जो सबसे पहला दास था उसने क्या किया कि कुछ पौधे उसने खरीदे और पौधों को खरीद के उनको ले गया, जिसमें से उसने दाखरस बनाना चालू किया। बहुत मेहनत से उसने उसमें से दाखरस निकाला और अलग अलग पात्र में भर के वो उसको बेचने लगा। उसकी मेहनत और उसका जो दाखरस था वो बहुत स्वादिष्ट था, तो बहुत से लोग लेने लगे। उसी तरह से दूसरे दास ने भी उसको जो पसंद था, उसको जो आता था, उसके हिसाब से उसने काम करने लगे। पर जो तीसरा था वो कहीं दिख नहीं रहा था, क्योंकि जब से उसका मालिक गया था उसके बाद वो दास कहीं दिखा नहीं था। एक दिन ये हुआ कि दासों को पता चला कि उसका मालिक वापस आ रहा है, और दास खुश हो गए। और जो 2 दास जिन्होंने काम किया था वो तो काफी खुश थे अपने मालिक को देख के, और मालिक ने उनसे हिसाब लेना चालू किया। तो सबसे पहला दास था उसने 10 तालंत बाहर निकाले और 10 तालंत बाहर निकाले। मालिक उसको देख के बहुत खुश हो गया, क्योंकि 10 उनको दिए गए थे, 10 और वो लेके आए। और पहले दास को मालिक ने शाबाशी दी कि तुम थोड़े में विश्वासु मालूम हुए हो, मैं तुम्हें और दे और दूंगा। और मालिक दूसरे दास की तरफ गया, दूसरे दास को देख के उसका भी न्याय करना चालू किया उसने। दूसरे दास ने भी जिसको 5 दिए थे और 5 लेके आया था, मालिक उससे भी बहुत खुश हुआ। पर वो सोच रहा था कि तीसरा दास कहाँ चला गया, क्योंकि तीसरे दास को भी उसने तालंत तो दिए थे, और तीसरा दास दूर से आता हुआ उसको दिखा, बहुत बड़ा सा बक्सा लेके आ रहा था, जिससे मालिक को लगा कि ये तो बहुत ज्यादा फल लेके आया लगता है। और दास ने अपना बक्सा खोला, उसमें से 1 और डिब्बी निकली, उसको भी खोला, उसके बाद 1 और डिब्बी निकली, और मालिक बड़ा ही निराश हो गया, गुस्सा आ गया उसको, क्योंकि उस दास ने कुछ नहीं किया था। जितना तालंत उसको दिया था उतने का उतना उसने बिना यूज किए वापस कर दिया, और वो तालंत जो सबसे पहला दास था उसको वापस दिया गया, क्योंकि उसमें से 10 में से 10 लेके आए थे, और इसका 1 तालंत जो था वो भी उसको दे दिया गया। और उसके मालिक ने फिर उसको पकड़ के बाहर फेंक दिया, और उसके लिए मालिक के घर के दरवाजे बंद हो गए।
इसी तरह से ये जो मालिक है वो हमारा परमेश्वर है, और परमेश्वर ने हम सबको कुछ ना कुछ दिया है। हम सबको ऐसा कोई टैलेंट दिया है, ऐसी कोई चीज दी है, और जो काम परमेश्वर ने हमें दिया है उसके लिए उसने सारे प्रोविजन हमारे लिए करके रखे है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने केवल हमें काम दिया और बाकी सारी चीजें हमें नहीं दी, पर उस काम को करने के लिए जो चीज की आवश्यकता है वो भी परमेश्वर ने हमें दी हुई है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हमें किन चीजों की आवश्यकता है। परमेश्वर हमारा ऐसा परमेश्वर है कि जो जानता है कि हमारी सामर्थ्य क्या है, हमारी क्षमता क्या है, और इसी हिसाब से परमेश्वर हमें काम देते हैं, उसी हिसाब से परमेश्वर हमें परीक्षण में लाते हैं। अगर हम देखें पहला करिन्थियस उसका 10वां भाग और उसकी 13वीं आयत, जिसमें लिखता है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहन से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। परमेश्वर हमारा सच्चा परमेश्वर है और वो कहीं भी हमसे अन्याय नहीं करता। परमेश्वर जानता है कि हम क्या कर सकते हैं, और उसी हिसाब से उसने हमें काम दिया है, और उसी हिसाब से हमारे अंदर वो सामर्थ्य दिया है, वो टैलेंट दिया है, वो एफिशिएंसी हमें दी गई है। बस हमें उसका यूज करना है। टैलेंट को ऐसे ही रखे हुए रहेंगे, उसका कुछ यूज नहीं करेंगे और समय को बस वेस्ट करते रहेंगे एक आलसी दास की तरह, तो उसका फल कुछ नहीं मिलेगा, जिससे हमारा परमेश्वर खुश नहीं होगा परंतु गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि जो उसने हमें दिया है वो उसके काम के लिए हमें यूज करना है, उसका उपयोग करना है। क्योंकि परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम कुछ काम करें, जो काम परमेश्वर ने हमें दिया है वो काम हमें पूरा करना है। हम सबके अंदर कुछ ना कुछ है, सबके अंदर कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। किसी में बड़ी चीजें होती है, किसी में छोटी चीजें होती है, किसी में ऐसा टैलेंट होता है जो शायद बहुत पॉपुलर नहीं हो, सब लोग जानते नहीं हो, किसी में ऐसा टैलेंट होता है जिसको सब लोग जानते हो, बहुत कॉमन टैलेंट हो सकता है। पर हम सब में कुछ ना कुछ परमेश्वर ने रखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है और पवित्र आत्मा की गिफ्ट्स परमेश्वर ने हमें दी गई है। बस हमें उसको खोजना है कि कौन सी गिफ्ट हमें मिली है, परमेश्वर के चरणों में रह के परमेश्वर से मांगे कि प्रभु मेरा सामर्थ्य क्या है, प्रभु आप मुझे कहाँ यूज कर रहे हो, प्रभु मेरे अंदर क्या छुपा हुआ है मुझे बताइए। तीसरी बात हम देखते हैं, तो जैसे हम सबके चेहरे अलग अलग है, हम सबकी भाषाएं अलग अलग है, हम सबके बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो सबके अलग अलग है, हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ सिचुएशंस अलग अलग है, परंतु उसी हिसाब से परमेश्वर ने हमें थोड़ा या ज्यादा करके हमें दे दिया है। ऐसा नहीं है कि किसी को भी ऐसे ही छोड़ दिया कि जिसमें कुछ नहीं है, हर एक के अंदर परमेश्वर ने कुछ ना कुछ दिया है। जो ज्यादा सामर्थ्य है, जिसके ऊपर परमेश्वर ने ज्यादा काम डाला है उसको ज्यादा सामर्थ्य देंगे प्रभु, जिसके ऊपर परमेश्वर ने कम बोझ दिया है, कम काम डाला है उसको कम सामर्थ्य दिया है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आपकी परिस्थिति कैसी है, आप कहाँ रह रहे हो, आपके परिवार में आपकी स्थिति क्या है, आप कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे, क्योंकि आपके ऊपर और भी जिम्मेदारी होगी और परमेश्वर उन जिम्मेदारियों को देखने के बाद ही हमें काम देते हैं। हमारा समर्पण परमेश्वर के प्रति कितना है, हम क्या अपनी आप को परमेश्वर को पूरी तरीके से सौंप सकते हैं कि नहीं सौंप सकते, वो सब कुछ देखने के बाद परमेश्वर हमें काम देते हैं। चौथी बात हम ये देखते हैं इसमें कि जो काम परमेश्वर ने हमें दिया है वो काम हमारा नहीं है, परंतु परमेश्वर ने हमें दिया है इसलिए हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं। इसमें कहीं भी हमारे खुद के लिए कुछ हम नहीं कमा रहे, हम जो कमा रहे हैं वो परमेश्वर के लिए कमा रहे हैं। परमेश्वर के लोगों को हम सुसमाचार दे रहे हैं या उनकी सेवा कर रहे हैं या प्रबोध कर रहे हैं या शिक्षण दे रहे हैं या जो भी सेवकाई हम कर रहे हैं, उन सभी के पीछे हमारा खुद का महत्व नहीं है, परंतु परमेश्वर जिसने हमें काम दिया है वो हमारा मालिक है, हम परमेश्वर के दास है। तो कहीं भी हम ये नहीं सोचे कि ये मेरा काम है और मैं ही केवल करूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी कलीसिया में हर तरीके के लोग रखे हुए हैं और ये परमेश्वर का काम है। जहाँ भी हमें जरूरत होती है हम दूसरों की हेल्प ले सकते हैं, जहाँ भी जरूरत होती है परमेश्वर हमें और लोग मुहैया करवाते हैं। हम ये नहीं सोचे कि इससे हमारा काम बढ़ जाएगा और हमारा महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि हम हमारे महत्व के लिए ये काम नहीं कर रहे, हमारा मालिक परमेश्वर है और हम परमेश्वर का ही काम कर रहे हैं। हमें कहीं भी हमारे लाभ को या हमारे महत्व को नहीं, जिससे हमें महत्व मिले या हमें कुछ लाभ मिले या हमें हमारी संपत्तियां बढ़ जाए या हमारे लोग बढ़ जाए या हमारी पहचान बढ़ जाए या हमारा सामर्थ्य बढ़ जाए, इसके लिए हम काम नहीं कर रहे, परंतु परमेश्वर ने हमें ये काम दिया है, वो हमारा मालिक है और हमें उसके लिए काम करना है। पांचवी बात हम जो देखते हैं कि हमें जो भी काम दिया है परमेश्वर ने उसके लिए हम जिम्मेदार। ऐसे नहीं है कि परमेश्वर ने हमें काम देके छोड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर हमारा न्याय करने वाला परमेश्वर है और वो न्याय करेगा। जो काम हमने किया है, जो काम हमको दिया गया था, उसके सामने हमने क्या काम किया है, क्योंकि परमेश्वर आने के बाद हमारा न्याय जब करेगा तो वो हमारे कामों को देखेंगे। जिस तरह से एक मालिक ने अपने दासों को जितना भी दिया था उसके सामने उसके दास ने उसको कितना रिटर्न किया वो उसका मालिक देखता है, उसी तरह से
से हमारा परमेश्वर भी जब हमारा न्याय करेगा तो हम कितने फल लाए हैं, हमने क्या फल परमेश्वर के राज्य में ऐड किया है, वो परमेश्वर जरूर देखेंगे। हम नया जन्म पाए और पवित्र आत्मा का दान हमने पाया, उसके बाद बैठे नहीं रहे, क्योंकि परमेश्वर ने जब भी नया जन्म दिया तो उसके बाद परमेश्वर के राज्य के हम भागी है, परमेश्वर के काम के हम भागी है। जो काम परमेश्वर ने अपने चेलों को दिया था उसी काम को हमें आगे बढ़ाना है। काम कोई भी हो सकता है, छोटा बड़ा, परंतु परमेश्वर के राज्य में हमें हमारा सहयोग देना है। हमारे द्वारा परमेश्वर के राज्य में फल आने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारा न्यायी परमेश्वर है और वो हमारा न्याय करता है। हमें शायद नहीं पता कि हमारे अंदर क्या है या हमें किस तरह से काम करना है, तो परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर आपको दर्शन देंगे, क्लेरिफिकेशन देंगे कि आपको करना क्या है और आपके अंदर क्या टैलेंट छिपा हुआ है। परमेश्वर के चरणों में रह के जब तक आपको पूरी मन की शांति नहीं मिले, तब तक आप परमेश्वर के साथ उस बात को क्लियर कीजिए कि आपको क्या टैलेंट दिया गया है और उसका यूज कैसे करना है, क्योंकि काम तो हमें ऑलरेडी मिल चुका है, बस हमें वो काम किस तरह से करना है वो हमें जानना है। आइए परमेश्वर के चरणों में रह के प्रार्थना करें। प्रभु ए हमारे परमेश्वर, आपने जो जीवन हमें दिया है उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं, और जो तालंत जो काम प्रभु आपने हमें दिया है उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं, क्योंकि परमेश्वर महान परमेश्वर के राज्य के भागी हम है और महान परमेश्वर के लिए हम काम करने का जो अवसर प्रभु आपने हमें प्रदान किया उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। प्रभु प्रभु जो भी हम में से ये नहीं जानते कि उसमें क्या छिपा हुआ है, उनको दर्शन दे के प्रभु आप बताइए, उनको ये स्पष्ट कीजिए कि उनको क्या तालंत दिया गया। जो भी हम में है उसको हम आपके राज्य को बढ़ाने के लिए उपयोग में ले सके, इसके लिए आपकी कृपा करें। हमारे सामर्थ की पहचान हमें दीजिए, जो सामर्थ आपने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें उंडेल दिया है, जो सामर्थ आपके जिंदा होने के द्वारा पुनरुत्थान का सामर्थ हमें जगाया हुआ है, उस सामर्थ को हम पहचाने और उस सामर्थ को हम आपके काम के लिए उपयोग में ले सके, इसके लिए आपकी कृपा होने दो। प्रभु हमारा जीवन संपूर्ण रीति से आपके चरणों में रखते हुए हमारी विनती प्रभु यीशु के नाम से सुनिए और ग्रहण करें। आमीन।